हेलो गाइस, तो मैं ऋतिक कुमार और आप देख रहे हैं ऋतिक कुमार ब्लॉग। तो जैसा कि आप लोगों को बताया था कि चरण में हम लोग गांव में अभी हैं, यहां पे देख सकते हैं। और जैसा कि बताया था, कहीं भी घूमने जाएंगे तो जरूर आप लोगों को भी दिखाऊंगा और शूट्स वगैरह करूंगा। तो अभी हम जो है अपने भाई साथ निकले हैं, तो बन्हारा मोड़ जाएंगे जो कि पुनपुन नदी है वहाँ पे, तो वो भी चीज़ देखने। और एक हमारी बुआ भी रहती है उधर, तो वहाँ भी सोचेंगे यदि जल्दी पहुँच जाए तो सोचेंगे कि नहीं हम वहाँ भी घूम लेंगे। और इसके बाद जो है दिखाता हूँ थोड़ा शूट वगैरह भी, जो गाँव का क्या हमारा खेत वगैरह जो भी मतलब है सारा मतलब आप लोगों को घुमाऊंगा। तो ब्लॉग पे दोस्तों बने रहे, ये हमारा जो है विलेज का दूसरा ब्लॉग होगा, तो जरूर यहाँ पे आइएगा। पहला ब्लॉग किसी ने नहीं देखा तो हम जो है डेयरी ऑनसोन में रहते हैं, डेयरी ऑनसोन से यहाँ पे विलेज पे आए हुए हैं। यदि किसी ने नहीं देखा तो जाइए, और फर्स्ट ब्लॉग जो है वो हम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और जाइए और जरूर देखिए, इसके बाद सेकेंड वीडियो का एंजॉय लीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ से चलते हैं और पुनपुन नदी से तरफ जो है वो बढ़ते हैं, वहाँ पर दिखाएंगे। ये हमारा देख लीजिए भाई है, हेलो करो। हेलो, ये है, यही जो है शूट करेगा। हम देख सकते हैं बाइक है, तो बाइक हम चलाएंगे और सारा जो है इधर उधर का जो भी सीन वगैरह है सारा शूट करेगा यही। तो मैं अब इसको कैमरा दे दे रहा हूँ और इसके बाद जो है सारा अब चलता हूँ, और चलने के बाद जो है वो स्टार्ट करूंगा। दोस्तों अब मैं इसे दे रहा हूँ और ये सारा शूट वहाँ पे करेगा। दोस्तों चलो, दोस्तों आप लोग देख सकते हैं गांव का सीन जो है बहुत ही मतलब यहां का जो है लुकिंग मेरे को अच्छा है। और वातावरण की बात करूँ तो बहुत ही शुद्ध वगैरह हमें हवा वगैरह भी मिल गया है। और इवनिंग का भी टाइम जो है वो इवनिंग का 5 o'clock हो रहे हैं, तो हम अभी चलते हैं। यहां से कम 1 से 2 kilometers का रास्ता है जो कि पुनपुन नदी, अब वहाँ का मैं आप लोगों को पहुँचने के बाद दिखाऊँगा कि पानी जो है या पानी जो है नहर का सूख चुका है। तो वहाँ पर जो है फिर यदि मतलब अंधेरा नहीं हो पाया होगा तो मैं अपना बुआ घर भी वहां से आप लोगों को दिखा दूंगा, वहां भी है तो वो भी घूम लूंगा। और घूमने के बाद फिर वापस जो है हम लोग चरण ही आएंगे। तो दोस्तों ब्लॉग जो है वो एंजॉय करते रहिए पूरा बढ़िया से। तो भाई तो देख सकते हैं अभी हम लोग बस पुनपुन नदी जो है वो पहुंचने वाले हैं। इसके पहले जो है फिलहाल यहाँ का ग्राउंड वगैरह देखिए, बैकग्राउंड कितना मतलब फील्ड वगैरह यहाँ पे है, मतलब ये सीन जो है वो अच्छा लग रहा है हम लोग को। और यहाँ पे देख सकते हैं सामने जो है वो मंदिर दिखा, तो मैंने सोचा कि नहीं इसके भी जो है मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो कौन मंदिर है ये? शिव भगवान का, भगवान लिखा हुआ है भगवान भास्कर मंदिर, तो शिव भगवान का मंदिर है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। और सीन वगैरह देखिए, यहाँ का जो शांति दोस्तों आप लोगों को बताऊं कि बहुत मतलब शांति लग रहा है, और न ही यहाँ पे कोई पोल्यूशन है न ही कोई डिस्टरबेंस है, तो बहुत ही बढ़िया मेरे को मतलब यहाँ का सीन वगैरह लगा। इसलिए मैं यहाँ पे सोचा कि चलो गाड़ी रोक के आप लोगों को थोड़ा दिखा दो। अब बस थोड़ा ही नज़दीक में ही जो है पुनपुन नदी है, तो मैं अब जाता हूँ और वहाँ पर का भी जो है सीन वगैरह आप लोगों को देख कर आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों। तो ब्लॉग इन्जॉय करते रहिए, ये जो है कैसा है यहाँ पे विलेज लाइफ जो है ये मैं सोचा कि आप लोगों को दिखा दूं। तो विलेज लाइफ जो है सीन ये यहाँ देखिए दोस्तों, सामने का सीन देखिए कितना सुंदर मतलब लग रहा है एकदम देखने में। तो ब्लॉग बस एंजॉय कीजिए, अब बस हम लोग थोड़ा देर में आगे जो है वो पहुँचने वाले ही हैं बन्हारा मोड़ जो नाम है, जो कि पुनपुन नदी वहाँ बहता है। अब पानी का तो इतना गर्मी है, तो मेरे को मतलब इससे भी पूछा तो ये भी बोला कि पानी तो है ज़्यादातर सूख ही जाता है, तो जैसा होगा वहाँ जाकर पता चलेगा दोस्तों। ब्लॉग एंजॉय करते रहिए। आगे करो, अच्छा मोबाइल यही है पुनपुन नदी।
दोस्तों नदी का हालत आप लोग देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे अभी पुनपुन नदी है और नदी देखिए एकदम बिल्कुल ही मतलब खंडहर जैसा लग रहा है देखने में। यहाँ पे पता भी नहीं चल रहा है कि ये नदी है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं जो कि यहाँ पे ऊंचा है, ऊंचा से हम लोग अभी ढलाव जो है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो अभी जो है टाइम भी काफ़ी मतलब है, तो सोचा चलो घूम के भी आता है, जो कि अभी हम लोग अभी घूमने जा रहे हैं बुआ के घर, जो उसका मतलब नाम है अभी भरकुड़िया, ऐसा ऐसा नाम है। तो चलते हैं उधर भी थोड़ा घूम लेते हैं, क्योंकि मेरे को तो घर वगैरह देखा नहीं है, बस जो साथ में भाई है बस वही जो है बोला कि नहीं चलो चलते हैं। तो दोस्तों चलते हैं और घूमते हैं हम लोग, आप लोग जो है वो इंजॉय करते रहिए वीडियो। ऐसा रास्ता अरे रास्ता रास्ता दोस्तों देख सकते हैं बहुत मुश्किल के बाद जो है ये सामने हमारा जो कि उधर उस साइड जो है पुनपुन नदी, जो मतलब लगा कि पानी होगा लेकिन नहीं था, इसलिए हम लोग इस पार आ भी गए और आगे जो है अब भरकुड़िया तरफ जा भी रहे हैं। तो बहुत ही मुश्किल के बाद जो है ये दोस्तों गाड़ी जो है वो चह गई है, क्योंकि ढलाव और पहले रास्ता आप लोग वीडियो में देख ही चुके हैं कि किस तरह रास्ता था, मतलब यू कहूँ तो एकदम मतलब खंडहर जैसा था और बहुत ही मुश्किल से तब आगे बढ़ा। तो अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ जो है, उधर भी थोड़ा घूम लेते हैं। ब्लॉग को दोस्तों एंजॉय करते रहिए और ज़रूर अपने विलेज, जो भी विलेज लाइफ का जो भी मतलब दोस्त वगैरह होगा, ज़रूर उन्हें भी शेयर कीजिएगा और उन्हें भी जो है आगे बोलिएगा शेयर करने के लिए ज़रूर दोस्तों। तो आगे चलते हैं और आगे पूरा ब्लॉग एंजॉय कीजिए। हेलो गाइस, तो हम अपने बुआ घर भी जो है घूम चुके हैं। अभी जो जगह देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, जो कि भरकुड़िया है, और हम लोग यहाँ से अभी घूम के मतलब अब यहाँ से लौट रहे हैं, जा रहे हैं वापस चरण। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं सामने जो है एक पुल बन रहा है, जो कि अभी मतलब कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। तो हम लोग का काम वगैरह इधर हो गया और घूम भी लिए, अब हम लोग चलते हैं चरण की तरफ। तो दोस्तों ब्लॉग कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मतलब ये विलेज लाइफ जो है वो कैसा है। तो हम लोग अब वापस मतलब कल तो है हमें मतलब अब यहाँ से मतलब आज मतलब निकल भी जाना है, डेहरी ऑन शोर हम लोग निकलेंगे भी। तो अब जो है इस ब्लॉग में मतलब विलेज लाइफ के बारे में दो ब्लॉग्स मैं आप लोगों के लिए मतलब बना दिया। तो आप लोग यदि जाएँ पहला ब्लॉग नहीं देखा है किसी ने तो जाइए, और डिस्क्रिप्शन में पहला ब्लॉग जो है वो आप लोगों को मिलेगा और वहाँ ज़रूर देखिए, जो कि हम लोग डेहरी से यहाँ पे गाँव में आए हैं। तो अब मिलते हैं मेरे फ्रेंड्स जो डेहरी में, ठीक है। डेहरी में जो है अभी कहीं भी जाऊँगा, वाटरफॉल वगैरह भी बहुत साल मतलब वहाँ पर गए हुए हो गए हैं। तो डेहरी का वाटरफॉल के आप ही वीडियो में अब सोच रहा हूँ कि बनाने वाला, क्योंकि बरसात भी आ गया है तो थोड़ा मतलब अभी गर्मी भी मतलब अब बहुत गर्मी है, इसीलिए थोड़ा वाटरफॉल वगैरह का जो है वो नहीं बन रहा था, क्योंकि डेहरी में है हमारा रोहतास में तो घूमने का जगह की कमी नहीं है दोस्तों, इसलिए जो है अभी तो रोहतास पूरा बचा हुआ है घुमाने का। तो दोस्तों हमारे साथ रहिए और आपको पूरा मतलब जो है वीडियो पे बने रहिए, सारा आप लोगों को पूरा आप लोगों को घुमाऊँगा दोस्तों बिहार, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अगले ब्लॉग में। जय हिंद जय भारत।